बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शंस, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया था, दैट वाज वोल्फ-किशनर रिडक्शन रिएक्शन। जो सेकंड टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस माय सेकंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर of organic reactions. The second topic is Bier-Willinger oxidation या Bier-Willinger reaction. Bier-Willinger oxidation या Bier-Willinger reaction जो है ये क्या होता है, तो first heading जो हमने दी है that is our introduction. First we will discuss its introduction. In introduction we will discuss the definitions of this Bier-Willinger oxidation. First heading is our introduction. So what is Bier-Willinger oxidation? In this reaction, aliphatic ketones are converted to respective esters and cyclic ketones are converted to lactones by the reaction with oxidizing agent, the per acid. Oxidizing agent कौन है हमारे पास यहाँ, that is the per acid. And the formula of this per acid is RC double bond OOOH. इस reaction में, in this reaction जो है एलिफेटिक कीटोन्स को कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, रेस्पेक्टिव एस्टर्स के अंदर, और जो साइक्लिक कीटोन्स होंगे आर कन्वर्टेड टू लैक्टोन्स बाय द रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द पर एसिड, पर एसिड की मौजूदगी में. इन दिस रिएक्शन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस सिमल्टेनियसली. Therefore, Bier-Willinger reaction is known as Bier-Willinger oxidation or Bier-Willinger rearrangement. इसलिए हम इसको Bier-Willinger oxidation या Bier-Willinger rearrangement कहते हैं. So this is the introduction of this Bier-Willinger oxidation reaction. And next we will discuss the heading, that is reaction condition. रिएक्शन कंडीशन जो है, दी रिएक्शन इज एसिड कैटलाइज्ड. आप लोगों की आसानी के लिए यहां हमने एक एक स्टेप जो है हेडिंग के साथ डिस्कस किया है, वरना बुक में आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी. तो इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया जो कि हमारा पहला हेडिंग, इसमें हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज Bier-Willinger ऑक्सीडेशन. अब रिएक्शन कंडीशन क्या है, सेकंड हेडिंग जो है रिएक्शन की कंडीशन क्या है, रिएक्शन इज एसिड कैटलाइज्ड. तो रिएजेंट क्या हम यूज करेंगे, थर्ड हेडिंग इज रिएजेंट, पर एसिड, और पर एसिड का जो फार्मूला है दैट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच. स्टार्टिंग मटेरियल जो है, यानी हमारे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो हम क्या लेते हैं, दैट इज कीटोन्स. क्योंकि हमने क्या कहा था कि इन दिस रिएक्शन aliphatic ketones are converted to respective esters and cyclic ketones are converted to lactones by the reaction with the oxidizing agent the per acid. So starting material hamare paas kya hai, ketones. Product kya banta hai, do tarah ke product bante hain, esters or lactones and carboxylic acid. Fourth heading humne kya diya, product ka diya. फिफ्थ हेडिंग हमारे पास के जनरल रिएक्शन, हमारे पास जनरल रिएक्शन है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ वी जनरली रिप्रेजेंट. अब ये जनरल रिएक्शन है, आप देखेंगे फिगर में कीटोन, कीटोन का जनरल फार्मूला है आर वन सी डबल बॉन्ड ओ आर टू. आर का मतलब है कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है या अराइल ग्रुप भी हो सकता है.
एरोमेटिक ग्रुप भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल, इथाइल एंड सो ऑन। तो आर वन सी डबल बॉन्ड हो, आर टू कीटोन, दूसरा पर एसिड है, पर एसिड आर सी डबल बॉन्ड हो ओ ओ एच, दिस इज पर एसिड। तो हमारे पास बनेगा क्या, एस्टर बनता है, आर वन सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर टू, एक बनता है एस्टर और दूसरा बनता है एसिड, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, दिस इज एन एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये था जनरल रिएक्शन, जो सिक्स हेडिंग का हमारा जनरल रिएक्शन। अब हम जाते हैं इसकी मैकेनिज्म की तरफ, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो इसकी मैकेनिज्म के अंदर तीन स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं डियर स्टूडेंट्स। जो पहला स्टेप है वो ये है कि अटैक ऑफ पर एसिड एज अ न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन। हाँ, अब इसकी मैकेनिज्म जो है तीन स्टेप्स इन्वॉल्व है इसकी मैकेनिज्म के अंदर। पहला स्टेप क्या है, अटैक ऑफ पर एसिड एज अ न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन। सेकेंड स्टेप जो है दैट इज रीअरेंजमेंट ऑफ आर takes place with the removal of an anion of an acid. Second step में क्या होती है, rearrangement होती है, rearrangement of R takes place with the removal of an anion of an acid. Step number three, step third में क्या होता है, to remove the positive charge of oxygen, to remove the positive charge of oxygen, the hydrogen is removed towards the anion of acid and ester is formed. So ye hai teen steps, step 1, step 2 and step 3. Ab hum ye ko discuss karenge, in these steps ki roshni mein hum reaction discuss karenge. Is steps likhne ka maqsad ye hai ki aapko yaad karne mein, aapko understand karne mein, samajhne mein aasani hogi. स्टेप वन क्या था, स्टेप टू क्या था और स्टेप थ्री हमारा क्या था। इन तीन स्टेप्स की रोशनी में हम इसका अब रिएक्शन डिस्कस करेंगे। पहले जनरल रिएक्शन डिस्कस करेंगे, उसका मैकेनिज्म। अब स्टेप वन जो हमने क्या कहा था, पहले स्टेप में हमने क्या कहा था कि अटैक ऑफ पर एसिड इज अ न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन। ये जो आपका पर एसिड है, दिस इज योर पर एसिड, रिएजेंट जो है पर एसिड, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एच। अब ये जो OH आप देख रहे हो, ये OH, ये O के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो पर एसिड है, ये बतौर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अटैक ऑफ पर एसिड एज अ न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन। ये आपके इस ग्रुप जो है, ये जो पर एसिड है, ये यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बोनाइल कार्बन पे, कीटोन का इस कार्बोनाइल कार्बन पे वो अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड जो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है यहाँ बांड बनाएगा और ऑक्सीजन जो है ये साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसके साथ जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज भी क्रिएट होगा। तो आर सी ओ नेगेटिव, फिर आर ये ओ, ठीक है ना, प्लस ये एच इसका, और साथ ओ सी डबल बांड ओ आर, ये कुछ यूं बनेगा। ये पहला स्टेप हमारा यही था कि अटैक ऑफ पर एसिड एज अ न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन। सेकंड स्टेप जो है, हमने क्या कहा था कि सेकंड स्टेप में क्या होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ आर टेक्स प्लेस विद द रिमूवल ऑफ एन अनायन ऑफ एन एसिड। अब यहां में रीअरेंजमेंट भी होगा, ये देखिए ये जो आर ग्रुप है, ये जो आर है अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, एराइल हो सकता है, तो ये माइग्रेट करेगा, यानी इस कार्बन से इस ऑक्सीजन की तरफ आएगा, यहाँ से ये माइग्रेशन का सिंबल है, सिंबल ऑफ माइग्रेशन। तो ये नेगेटिव चार्ज पे यहाँ आएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये वाला ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट करके इस ऑक्सीजन की तरफ आएगा, और ये वाला बॉन्ड जो है ये यहाँ से टूटेगा, ब्रेक होगा, और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसी ऑक्सीजन को देगा, यानी ये रिच होके निकलेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो दो ये आर की रिमूव हो रहा है, माइग्रेशन की सिंबल है ये, और ये ओ नेगेटिव यानी सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये भी
फिम हो रहा है साथ। तो इसके बाद में किया क्या मिल रहा है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हुई एच इसका, और उसके साथ ये आर आके यहाँ पे अटैच हुआ। ये वाला ग्रुप जो है माइग्रेट करके कार्बन को छोड़ के ऑक्सीजन की तरफ आके अटैच हुआ। तो सेकंड जो स्टेप हमने क्या कहा था, रीअरेंजमेंट ऑफ आर टेक्स प्लेस विद द रिमूवल ऑफ एन अनायन ऑफ एन एसिड। ये एसिड का अनायन जो है यानी ओ नेगेटिव सी डबल बॉन्ड ओ आर, दिस इज द अनायन ऑफ एन एसिड। ये था सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, टू रिमूव द पॉजिटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन, टू रिमूव द पॉजिटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन, टू रिमूव द पॉजिटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन द हाइड्रोजन इज रिमूव्ड टुवर्ड्स द अनायन ऑफ एन एसिड एंड एस्टर इज फॉर्मड। अब ये थर्ड स्टेप में आप देख रहे हो आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये ओ प्लस आर, ये इसके साथ ये वो है तुझे अटैच है। हमने क्या कहा था, रिमूवल होगा टू रिमूव द पॉजिटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन, इसको खत्म करने के लिए, ठीक है, द हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, ये हाइड्रोजन जो होगा रिमूव होगा किसकी तरफ जाएगा, टुवर्ड्स द अनायन ऑफ एन एसिड, टुवर्ड्स द अनायन ऑफ एन एसिड। तो ये यहाँ क्या बनाएगा, ठीक है, ये इस तरफ चला जाएगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, आर सिंपल बॉन्ड ओ एच बन जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा एस्टर बन जाएगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देगा तो इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज जो है वो खत्म हो जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ये हमारा एस्टर बन गया, और दूसरा क्या बन गया एसिड, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो तीन स्टेप्स की फॉर्मेशन मिला, स्टेप वन स्टेप टू एंड स्टेप थ्री। पहला स्टेप क्या था, अटैक ऑफ पर एसिड एज ए न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन। स्टेप टू क्या हमारा था, रीअरेंजमेंट ऑफ आर टेक्स प्लेस विद द रिमूवल ऑफ एन अनायन ऑफ एन एसिड, टुवर्ड द अनायन ऑफ एन एसिड। स्टेप थर्ड क्या था, तो रिमूव द पॉजिटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन, द हाइड्रोजन इज रिमूव टुवर्ड द अनायन ऑफ एन एसिड एंड एस्टर इज फॉर्म। अब हम इसकी आज की लेक्चर में हम एक एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। हमारे पास कोई सपोज एक क्वेश्चन है कि हाउ मिथाइल फिनाइल कीटोन इज कन्वर्टेड इनटू फिनाइल एसिटेट व्हेन इट अंडरगो देयर विलिगर रिएक्शन। सवाल क्या है, क्वेश्चन ये है कि हाउ मिथाइल फिनाइल कीटोन इज कन्वर्टेड इनटू फिनाइल एसिटेट व्हेन इट अंडरगो देयर विलिगर रिएक्शन। इसका आंसर जो है, हम अब इस एग्जांपल को पहले डिस्कस करेंगे, अब इसका पहले जनरल रिएक्शन लिखेंगे मिथाइल फिनाइल कीटोन। अब ये देख रहे हो दिस इज मिथाइल एंड दिस इज फिनाइल ग्रुप C6H5 एंड दिस इज CH3 मिथाइल, मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन। मिथाइल फिनाइल कीटोन जो है ये रिएक्ट करेगा इसके साथ पर एसिड के साथ, दिस इज पर एसिड, आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एच पर एसिड। मिथाइल फिनाइल कीटोन व्हेन रिएक्ट विद पर एसिड ये क्या बनाएगा, तो हमारे पास एस्टर बनेगा, और इस एस्टर का नाम क्या है, फिनाइल एसिटेट। इस एस्टर का नाम क्या है, फिनाइल ग्रुप है ये C6H5, दिस इज फिनाइल, दिस इज फिनाइल CH3 सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये एसिटेट ग्रुप है, ये वाला जो है एसिटेट एंड दिस इज फिनाइल, सो फिनाइल एसिटेट बनेगा, प्लस दूसरा क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो ये था इसके जनरल रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में वही स्टेप्स उन्होंने डिस्कस किए, स्टेप वन स्टेप टू एंड स्टेप थ्री। स्टेप वन हमारा क्या था, अटैक ऑफ पर एसिड एज अ न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन। एंड ये देखिए ये मिथाइल फिनाइल कीटोन CH3 सी डबल बॉन्ड ओ C6H5, तो ये पर एसिड है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एच। तो ये अटैक ऑफ पर एसिड जो है ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसमें कार्बन और कार्बन पे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, सबके ऊपर डिमांड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ऑक्सीजन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसकी वजह से चार्ज भी आ जाएगा,
सी एच थ्री सी ओ नेगेटिव, ठीक है, सी सिक्स एच फाइव, फिर ओ प्लस, ये हाइड्रोजन है और ये ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये रिएक्शन हमारा यहाँ तक हुआ, ठीक है। तो ये पहला स्टेप यहाँ तक कंप्लीट हुआ, अटैक ऑफ करेसिड एज ए न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन। अब सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं, सेकंड स्टेप हमारा क्या है, रिअरेंजमेंट ऑफ आर टेक्स प्लेस विद द रिमूवल ऑफ एन अनायन ऑफ एन एसिड, विद द रिमूवल ऑफ एन अनायन ऑफ एन एसिड। अब ये देखेंगे ये जो C6H5 है फिनाइल ग्रुप है, ये माइग्रेशन करेगा, सिंबल ऑफ माइग्रेशन C6H5 माइग्रेट कर रहा है कार्बन से टुवर्ड्स ऑक्सीजन, कार्बन को छोड़ के ऑक्सीजन की तरफ आ रहा है। तो ये बांध यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे डबल बांड क्रिएट होगा और ये यहाँ आएगा और साथ ये अनायन भी निकलेगा, रिमूवल ऑफ अनायन ऑफ एन एसिड जो है। तो ये बांध इसको शिफ्ट करेगा फिर इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन की बनेगा पिक्चर ओ नेगेटिव सी डबल बांड ओ आर, ये भी रिमूव होगा, तो सी एच थ्री सी डबल बांड ओ ओ प्लस के साथ फिनाइल ग्रुप अभी अटैच हो गया। अब फिनाइल ग्रुप यहाँ आके अटैच हो गया, माइग्रेशन की वजह से मैग्नेट करके यहाँ आके अटैच हो गया सी सिक्स एच फाइव ये एच। थर्ड स्टेप हमारा क्या था, थर्ड स्टेप ये था टू रिमूव द पॉजिटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन, टू रिमूव द पॉजिटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन, द हाइड्रोजन इज रिमूव्ड टुवर्ड्स द अनायन ऑफ एन एसिड एंड एस्टर इज फॉर्म्ड, इसके नतीजे में हमें एस्टर मिलेगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो स्टेप थर्ड, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन का खत्म हो जाएगा और ये हाइड्रोजन जो है ये इस तरफ चला जाएगा, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन जो है ये डेफिशिएंट होकर जा रहा है, खुद ये इसकी तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी सिक्स एच फाइव, ये हमारे पास क्या बन गया, फिनाइल एस्टर बन गया और दूसरा क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ये था हमारे पास इसका मैकेनिज्म कि हाउ मिथाइल फिनाइल कीटोन इज कन्वर्टेड इनटू फिनाइल एसिटेट व्हेन इट अंडरगो बेयर विनेगर रिएक्शन। हमने उसका एग्जांपल डिस्कस किया, मिथाइल फिनाइल कीटोन रिएक्ट पर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, फिनाइल एसिटेट बनाएगा और दूसरा क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। हमने उसका मैकेनिज्म डिस्कस किया, स्टेप 1 डिस्कस किया, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। तो स्टेप 3 में हमारे पास हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। पहला स्टेप हमारा क्या था, अटैक ऑफ करेसिड एज अ न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन। स्टेप 2 हमारा क्या था, रिमूवल ऑफ आर टेक्स प्लेस विद द रिमूवल ऑफ एन अनायन ऑफ एन एसिड। और स्टेप 3 हमारा क्या था, रिमूव द पॉजिटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन, द हाइड्रोजन इज रिमूव्ड टुवर्ड्स द अनायन ऑफ एन एसिड एंड एस्टर इज फॉर्म्ड। अब इसकी नेक्स्ट एग्जांपल जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा, अगर कोई चीज पूछनी हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं।